नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ आपकी एआई एंकर आद्या। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग के गड़ूल कोकेरनाग में तीसरे दिन शुक्रवार को भी आतंकियों से मुठभेड़ जारी रही। पहाड़ी इलाके के जंगलों में छुपे आतंकवादियों का पता लगाने के लिए चल रहे अभियान में ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अनंतनाग में आतंकवादियों को पकड़ने के लिए चल रहे ऑपरेशन में अब तक 4 जवान वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। हैदराबाद में 16 सितंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC की बैठक होने वाली है। रविवार 17 सितंबर को कांग्रेस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। कांग्रेस नेता KC वेणुगोपाल और जयराम रमेश के मुताबिक CWC मीटिंग में कई चरणों में चर्चा होगी, जिसमें आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों की रणनीति बनाई जाएगी। पीएम मोदी रविवार को देशवासियों को दिल्ली में बना यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर सौंपेंगे। यह दुनिया की सबसे बड़ी MICE मीटिंग, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन फैसिलिटी है। मोदी 17 को ही PM विश्वकर्मा योजना की शुरुआत करेंगे। केरल में निपाह वायरस का 6th केस मिला है। इनमें से 2 की मौत हो चुकी है, जबकि बाकी 4 लोगों का इलाज किया जा रहा है। इंडियन काउंसिल ऑन ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR का कहना है कि निपाह से मृत्यु दर 40-70% के बीच है। यह कोरोना से होने वाली मृत्यु दर की तुलना में काफी ज्यादा था। कोरोना से मृत्यु दर 2-3% ही थी। ICMR ने साथ ही कहा कि केरल में निपाह वायरस क्यों फैलता है, इसकी वजह साफ नहीं है। हरियाणा के नूह जिले में 31 जुलाई को हुई हिंसा में फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान की गिरफ्तारी के बाद जिले में धारा 144 लगा दी गई है। 2 दिनों के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर रोक रहेगी। यह आदेश 16 सितंबर तक प्रभावी रहेगा। झड़पों के बाद दर्ज FIR में मामन खान आरोपी थे। भारतीय वायुसेना के लिए 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान खरीदे जाएंगे। इससे जुड़े उपकरण भी लिए जाएंगे। ये खरीद HAL से की जाएगी। रक्षा अधिग्रहण समिति ने सेनाओं के लिए कुल 45,000 करोड़ की खरीद को प्रारंभिक मंजूरी दी है। सारी खरीद भारतीय वेंडर्स से ही होगी और प्रोडक्ट भी भारत में ही डेवलप किए जाएंगे। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के सदस्यों को मणिपुर में दर्ज 2 केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते की और राहत दी है। बेंच ने शिकायत करने वाले से जवाब दाखिल करने को कहा है। मौखिक टिप्पणी में कोर्ट ने कहा कि गिल्ड की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के बाद इनके खिलाफ की गई FIR सरकार का काउंटर नैरेटिव की तरह है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के सदस्यों को मणिपुर में दर्ज 2 केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते की और राहत दी है। बेंच ने शिकायत करने वाले से जवाब दाखिल करने को कहा है। मौखिक टिप्पणी में कोर्ट ने कहा कि गिल्ड की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के बाद इनके खिलाफ की गई FIR सरकार का काउंटर नैरेटिव की तरह है। फ्रांस ने आईफोन 12 की बिक्री पर बैन लगा दिया है। सरकार का कहना है कि इसमें ज्यादा रेडिएशन है। फ्रांस के इस फैसले पर एप्पल ने कहा कि रेडिएशन कम करने के लिए वे जल्द ही एक सॉफ्टवेयर अपडेट लाएंगे। इससे एक्सेस रेडिएशन की समस्या ठीक हो जाएगी। एशिया कप के सुपर 4 के एक मुकाबले में बांग्लादेश ने भारत को 6 रनों से हरा दिया। भारत के सामने जीत के लिए 266 रनों का लक्ष्य था, लेकिन भारतीय टीम 49.5 ओवर में 259 रनों पर सिमट गई। भारत के लिए ओपनर शुभमन गिल ने 133 गेंदों पर 121 रन बनाए, लेकिन टीम इंडिया को जीत नहीं दिला सके। भारतीय ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने 34 गेंदों पर 42 रन बनाए, लेकिन अंत में भारत ने यह मुकाबला गंवा दिया। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।